गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग ऑल. कैसे हो आप सब लोग? हाउ आर यू ऑल? गुड इवनिंग ऑल. तो आवाज तो आ रही है बच्चा पार्टी, इज वेटिंग फॉर यू. ओके, कैसे हो बच्चे लोग? कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सारे लोग काफी अच्छे होंगे, है ना बच्चों? आई होप आप सारे लोग काफी अच्छे होंगे. मैं नोट्स को खोलता हूं, है ना. बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया. आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं, और फटाफट यार लेक्चर को शेयर कर दो, है ना. फटाफट लेक्चर को शेयर कर दो बेटा, फटाफट लेक्चर को शेयर कर दो. मैं अपना पीडीएफ खोलूं, मेरा पीडीएफ कहाँ चला गया? ओहो, ठीक है. गुड इवनिंग बच्चों. हेलो निशा, तानेहा, शेखर, हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप लोग? Let's see, क्या यही वाला हमारा है? नो, दिस इज नॉट आर्स. ठीक है, इसको एग्जिट करते हैं. एक सेकंड बेटा, एक्चुअली क्या है ना, आज मैं बहुत भाग के आया हूँ, आज मैं बहुत ज्यादा भाग के आया हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा लेट भी हो गया. मैं बताऊंगा आपको कि आज क्या है. एक्चुअली मेरे ना डैड की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा लेट आया हूँ. ठीक है. नहीं शिवानी, आज आपकी स्पेशल क्लास तो नहीं हो पाएगी, कल हो सकती है शायद. यस, सो दिस इज आवर शीट. ठीक है, मैंने खोल दिया. गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सॉरी वो दो मिनट का डिस्ट्रैक्शन के लिए, दो मिनट का डिस्टर्बेंस के लिए है. आप लोग फटाफट अपने फ्रेंड्स के साथ लेक्चर शेयर कर दीजिए बेटा, और फटाफट लेक्चर को लाइक कर दीजिए, है ना बच्चे. जितने बच्चे हैं उतने लाइक्स नहीं है. और मुझे बता दो कौन कौन है क्लास में, कौन कौन है क्लास में बेटा. डॉक्टर प्रीता भारती, मंजू सिंह, अनुप्रिया सैनी, हेलो हेलो बच्चे. शिवानी, ओके शिवानी, एचबीएससी का भी एग्जाम कैंसिल हो सकता है, डोंट वरी बच्चे. विशाल कुमार सर, ब्लैक बोर्ड में पढ़ाइए, पढ़ाएंगे बेटा, ब्लैक पे ही पढ़ाएंगे. जैनब आदिल, गुड इवनिंग. अपेक्षा, निशा, तानेहा, मैनाज, दीक्षा, ओके वेरी गुड. चले सो बच्चा पार्टी, सबसे पहले पहले यार आज को मैं बता दूं, आज थोड़ा सा सेशन लंबा होने वाला है हमारा, आज थोड़ा सा हमारा सेशन लंबा होने वाला है. आज हम लगभग डेढ़ घंटे के सेशन में डाइपोल के बारे में पढ़ रहे होंगे. किसके बारे में बच्चे? डाइपोल. ये डाइपोल क्या होता है, कैसे होता है, ये आप जानेंगे. लेकिन उससे पहले दो मिनट पहले आप कुछ कुछ जानिए मेरे साथ. आप सारे लोग मुझे जानते होंगे, कोई मुझे नहीं जानता बच्चे, तो आप यहां से जान सकते हैं. माय नेम इज विनोद कुमार बहल, एंड यस, फिजिक्स एडुकेटर, AVJMS एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड का CEO, एंड रनिंग स्कूल प्रोजेक्ट इन द्वारका इंटरनेशनल स्कूल, एंड विजिटिंग फैकल्टी एट एलन रोहतक, है ना बच्चे. तो चलिए बच्चों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं. अनअकैडमी में आस्क अ डाउट फीचर, ये आस्क अ डाउट फीचर में क्या है बेटा, इसमें आप अनलिमिटेड डाउट्स कभी भी किसी भी समय पूछ सकते हैं, कभी भी किसी भी समय अनलिमिटेड डाउट्स पूछ सकते हो आप. बस आपको फोटो अपलोड करनी है, यू विल गेट योर डाउट क्लियर. उसके बाद बच्चे अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन है. अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में क्या करेंगे आप बच्चे, इसमें आप क्या करते हैं बेटा, इसमें आपको टीचर्स पढ़ाते हैं अनलिमिटेड कोर्सेस के साथ, बहुत टेस्ट सीरीज, बहुत कुछ. आपको एक कोड यूज करना है वीके आर्मी, मेरे स्पेशल क्लासेस के लिए और सब्सक्रिप्शन के लिए भी. शुरू करते हैं बच्चे, बस एक मिनट. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 1-on-1 मेंटोरशिप मिल रही होती है, और इसके लिए भी आपको कोड यूज करना है वीके आर्मी. यस बच्चों, और फिर मेरा एक कोर्स ऑलरेडी चल रहा है TTS में, 5:30 to 6:30 तक आप इसमें आ सकते हैं बेटा. प्लस पर चलता है, काफी लोग आते हैं, मजा आता है. ठीक है, ये तो हमारे कुछ कुछ बीच में बातचीत हुई थी, ये हमारे कुछ कुछ कोर्सेज है बेटा. हर मंडे एक नया बैच लॉन्च होता है, हर मंडे एक नया बैच लॉन्च होता है. ठीक है बच्चों, तो हम चलते हैं जरा आगे. ठीक है, हम चलते हैं आगे. मैंने पीडीएफ गलत खोल दी थी, बट इट्स ओके. लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पीडीएफ एंड वी विल स्टार्ट. And we will start, बेटा. ठीक है, आपको जाना कहीं नहीं है. ओके, थोड़ा सा आज हड़बड़ाहट हो रही है चीजों में, क्योंकि यार आज मैं एक तो लेट हो गया, ऊपर से पीडीएफ गलत खुल गई, बट इट्स ओके. तो चलिए बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे डाइपोल की. ठीक है, आपने जैसे थंबनेल में देख ही लिया होगा, ये डाइपोल क्या होता है इसको जानते हैं. देखिए बच्चा पार्टी, अगर आप मेरे से डाइपोल के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो मैं आपको बता दूं बेटा, डाइपोल जो है वो एक, डाइपोल जो है बेटा वो एक दो चार्जेस का सिस्टम है, दो आइडेंटिकल चार्जेस कह सकते हो आप. एक चार्ज का मैग्नीट्यूड प्लस क्यू है,
और दूसरे चार्ज का मैग्नीट्यूड माइनस क्यू है बेटा, और ये दोनों कुछ दूरी पर सेपरेट करे गए हैं। कुछ किताबों में इसको 2L लिखते हैं, कुछ किताबों में इसको 2A लिखते हैं। अब सर ये 2L या 2A क्यों लिखते हैं, इसके पीछे रीजन है, मैं बताऊंगा आपको। तो डायपोल क्या होता है बेटा, उसके बारे में जान लो। ये चेयर हटा दू यहां से मैं, एक मिनट। हां जी, सो डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, राइट बच्चे, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। असल में बेटा ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज का, ये जो 2L की दूरी पर रखा हुआ है, दिस इज डाइपोल ओनली, इसी को कहते हैं बेटा डाइपोल। समझ में आ रहा है, इसी को कहते हैं बच्चे डाइपोल। और मेरी बात को जरा गौर से सुनना, एक नया वर्ड आएगा आपके सामने, दैट विल बी बच्चे डाइपोल मोमेंट। क्या आएगा दैट नया वर्ड? विल बी डाइपोल मोमेंट बेटा। अब ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है बेटा, ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है, अगर आप कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले ले और उसके बीच में जो दूरी है उससे हम मल्टीप्लाई कर दे, तो वो जो आपका बनेगा दैट विल बी डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम, राइट बच्चे, दैट विल बी द डाइपोल मोमेंट ऑफ द सिस्टम। देखिए बच्चे, आपके पास एक ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, और ये 2L दूरी से सेपरेट करा गया है। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज नोन एज डाइपोल मोमेंट। क्या लिखेंगे आप डाइपोल मोमेंट को बच्चे? आप कहेंगे सर द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस। ठीक है ना बच्चे, दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन और चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट को हम डाइपोल मोमेंट कहते हैं, राइट बच्चे। तो इस डाइपोल मोमेंट का एक सिंबल भी होता है जिसको हम कहेंगे पी, विच इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2L। अब एक बच्चा इस बात को जानने में बड़ा एक्साइटेड हो रहा है कि सर ये जो डाइपोल मोमेंट है ये स्केलर है या वेक्टर है। देखो बेटा सुनो जरा, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, उस पूरे एक सिस्टम को हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। नहीं समझे? जैसे प्लस क्यू माइनस क्यू रखा है कुछ दूरी पर, तो उनको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और अगर आप उसी एक चार्ज और दोनों के बीच की दूरी को मल्टीप्लाई कर दो तो उसको आप कहते हैं डाइपोल मोमेंट। उसको क्या कहते हैं बच्चे? डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट स्केलर है या वेक्टर है, ये मेरे एरोज से आपको समझ में आ जाएगा। सो बच्चे दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। बड़ी सिंपल सी बात है यार, अगर ये वेक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन भी होता होगा। अरे एक बार येस और नो कुछ तो बोलो, अगर ये वेक्टर है तो इसका कुछ ना कुछ तो डायरेक्शन भी होता होगा। सो यस बच्चे बाय कन्वेंशन इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव बेटा। कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इस डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है। इसका मतलब अगर आप ऐसा लिख रहे हैं, सो दिस इज योर डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव। समझ में आया बच्चों की नहीं आया? तो अभी तक आपने मेरे साथ क्या पढ़ा बेटा, व्हाट इज डाइपोल, और उसके जस्ट बाद आपने पढ़ा व्हाट इज डाइपोल मोमेंट। सर इसके पढ़ने का क्या रीजन है, इसको क्यों पढ़ना है हमें, क्या मतलब है इसके पढ़ने का? तो मैं आपको बताता हूं बेटा,
क्योंकि यार मुझे अब इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल. लेकिन उससे पहले एक बेसिक सा सवाल देना है, आप प्लीज उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए बच्चे. एक बड़ा बेसिक सा सवाल है, आपको बस उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है बेटा. क्या सवाल है वो देख लो आप लोग. एक इलेक्ट्रिक डायपोल है बेटा 4 माइक्रोकुलाम और एक है -4 माइक्रोकुलाम और दोनों के बीच में जो सेपरेशन है, सेपरेशन जो है दोनों के बीच में, दैट इज बेटा 5 mm. दैट इज 5 mm. आपको मुझे डाइपोल मोमेंट बताना है और इसका डायरेक्शन बताना है. यू विल हैव टू टेल मी डाइपोल मोमेंट एंड ऑल्सो फाइंड आउट इट्स डायरेक्शन. सो डाइपोल मोमेंट बताइए और इसका डायरेक्शन बताइए फटाफट बच्चों, फटाफट बच्चों. थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी. बेस्ट टीचर तो कहते हो लेकिन 15-16 ही बच्चे आते हो, ये कोई बात नहीं होती बेटा. अगर ऐसा ही होता तो यार आपको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना होता लेक्चर. आपको पता है मेरे डैड जो है ना, मतलब मेरे डैड की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, उनका पूरा माउथ स्वेल हो चुका है. उसके बाद भी मैंने भाई को बोला कि यार तू एक काम कर, तू इनके साथ रह, मेरे बच्चे मेरा वेट कर रहे हैं, कल भी आधे घंटे का लेक्चर हुआ था, आज लंबा लेक्चर लेना है. लेकिन नहीं नहीं, टीचर की तो मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है, है ना बेटा, है ना बच्चे. कोई नहीं बेटा, कोई नहीं. चलो आप इसका बताइए आंसर. क्वेश्चन है बेटा, वी आर हैविंग अ डायपोल +4 माइक्रोकुलाम -4 माइक्रोकुलाम चार्जेस है, दोनों के बीच में सेपरेशन 5 mm है. आपको डायपोल मोमेंट बताना है और इसका डायरेक्शन बताना है. डायपोल मोमेंट बताना है और इसका डायरेक्शन बताना है बच्चों. चले बच्चा पार्टी फटाफट बताइए. हम साइड में हो जाए क्या? बिल्कुल हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. ये लीजिए बस, आप बताइए फटाफट. किसी भी बच्चे का आंसर आ जाए तो फटाफट बताइए, फिर आगे अगले टॉपिक पर बढ़ेंगे. ओके, एक बच्चे का आंसर आ चुका है 2 × 10⁻⁸. यस बच्चे, चलो तो निकालने की कोशिश करते हैं बच्चे, निकालने की कोशिश करते हैं. आपको पता है P बराबर क्या है, Q × 12. क्यू कितना है बेटा, 4 × 10⁻⁶. बच्चे गलती पता है कहां करते हैं बच्चे, ये जो 12 है ना बेटा, इस 12 को, ये सेपरेशन को ना, इससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, जबकि 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा बेटा. ये जो 5 mm है ना, 12 ही है ये बेटा, ये जो 5 mm है ये 12 ही है, लेकिन आपको मीटर में कन्वर्ट करना होगा. सो यू विल से बच्चे 5 × 10⁻³. तो 5 × 20 × 10⁻⁹, यानी कि 2 × 10⁻⁸. अच्छा, इसका यूनिट क्या होगा भाई? ये कुलाम और ये मीटर. सो दिस इज कुलाम मीटर. सो दिस इज कुलाम मीटर. समझ में आया कि नहीं आया? और आप यहां से लिख लो इसका यूनिट. इसका यूनिट इज कुलाम मीटर. इसका यूनिट इज कुलाम मीटर. समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? राइट बच्चा पार्टी. तो कभी अगर इस तरीके का सवाल आ जाए तो आप बताइएगा. ऋषभ कुछ पूछ रहा है. ऋषभ आप क्लास में हो क्या? ऋषभ आप क्लास में हो क्या? आपके सवाल का जवाब देता हूं बेटा. पूछो यार, ऐसे ऐसे सवाल पूछा करो, कोई बात नहीं, मैं जवाब दूंगा. चले कोई नहीं, वो बच्चा अगर यस बोलेगा तो देख लेंगे. तो आपको बच्चे ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया. अब हमें डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है अलग अलग पॉइंट्स पर, अलग अलग जगह पर हमें डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है. सो कॉन्सेप्ट है बेटा, कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल. पहला पॉइंट, एट एन एक्शियल पॉइंट या एट द लाइन अलोंग एक्चुअली. इसका क्या मतलब है बच्चे? आप देखो क्या मतलब है इसका. इसके कहने का सिर्फ इतना मतलब है बेटा कि ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है और ये आपस में 12 दूरी से सेपरेट करा गया है. तो मुझे यहां से एक्शियल एक्सिस के अलोंग P पॉइंट पर, या कोई भी पॉइंट है बच्चे,
इस Q पॉइंट पर मुझे डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इस Q पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, इस Q पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। जी बच्चों, सर 2L की जगह अक्षत बेटा आप 4L नहीं 8L कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको वहां लिखना पड़ेगा, आपको वहां लिखना पड़ेगा दैट 4L स्टैंड्स फॉर द सेपरेशन बिटवीन बोथ चार्जेस। 2L क्यों लिखा है उसके पीछे का रीजन अभी क्लियर करूंगा, वाई नॉट एल वाई 2L। ठीक है बच्चे? जी बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं, इसको करते हैं बेटा। आप एक बार ये कॉन्सेप्ट को लिख लो, एक बार ये टॉपिक उतार लो, आगे बढ़ते हैं बेटा। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एन एक्सियल पॉइंट। यस बच्चों, जी तो चलो बेटा। हाँ सर, एक क्वेश्चन पूछे, बिल्कुल पूछ लो बेटा शाश्वत, बच्चे बिल्कुल पूछ सकते हो। अब मैं अपना मार्कर चेंज कर लेता हूं क्योंकि कहीं आपका क्वेश्चन इस मार्कर से डर जाए तो। चलो तो देखो बेटा, आपके पास क्या है, एक माइनस क्यू है, एक प्लस क्यू है। सर 2L क्यों लिया था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं इस डायपोल के सेंटर की जरूरत पड़नी है। तो ये कितना लेंथ होगा एल, और ये कितना लेंथ होगा एल बेटा, समझ में आ रहा है? कितना लेंथ होगा L और L, मुझे कहां पर निकालना था, इस पॉइंट पर Q मान लो, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। चलिए बच्चों कोई बात नहीं, आप देखिए हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसको हमेशा क्या लेंगे, R लेंगे। तो सेंटर से उस पॉइंट की दूरी जहां पर हमें निकालना है उसको हमेशा R लेंगे बेटा। तो अगर ये पूरा R है तो उसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो ये क्या होगा R माइनस L, और इसमें R प्लस L, तो ये क्या हो जाएगा बेटा R प्लस L। आप नेमिंग कर दो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। बोलो यहां तक समझ आया कि नहीं आया, यहां तक समझ आया कि नहीं आया? सर 12 के एग्जाम पक्का होंगे। देखो बेटा मैं तो कौन ही होता हूं इस बारे में कुछ भी बोलने में, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि होंगे, तो अब क्या बोल सकते हैं बेटा। तो देखो बच्चे ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ, अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना आप लोग, अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना बच्चे। इस क्यू पॉइंट पर यह प्लस क्यू वाला क्या करेगा, इस क्यू पॉइंट पर यह प्लस क्यू वाला क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये चार्ज नहीं है बेटा। अगर आप इसको चार्ज समझ रहे हो, सो दिस इज नॉट अ चार्ज, इसको कोई आप कोई सी पॉइंट मान लो, इसको कोई सी पॉइंट मान लो, ठीक है? तो क्या होगा, ये प्लस क्यू अगर यहां पॉइंट चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होता। यस बच्चे यही होता, यस सर। और ये माइनस क्यू क्या करेगा, इसको अपनी तरफ को अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता बेटा, है ना? और अगर आप देखोगे तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये तो निकालने के बाद ही पता चलेगा। तो चलिए देखो बच्चे, देखो E1 क्या है, ध्यान रखिए मैंने अभी वेक्टर नहीं लगाया है ताकि आपके लिए आसान कैलकुलेशन हो जाए। E1 क्या होगा, 1/4πε0, ओके? क्या है, प्लस क्यू, डिस्टेंस कितना है बेटा, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। क्या डिस्टेंस है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, राइट बच्चे? कौन सी साइड है, राइट की साइड, ओके। ये रहा मेरा फर्स्ट इक्वेशन। फिर बनाता हूं E2, ये हो गया बेटा 1/4πε0, चार्ज तो Q है बट डिस्टेंस आर प्लस एल है, तो क्या हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर बेटा, क्या हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा है बच्चे। तो आप क्या करेंगे, ये आपका E1 था और ये आपका E2 है, तो अब बेसिकली बेटा, अब बेसिकली आप इसको थोड़ा आगे और बढ़ा दो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, व्हाट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। देख बेटा, देखो डिनोमिनेटर छोटा है तो पूरी वैल्यू बड़ी होगी,
डिनोमिनेटर बड़ा है तो पूरी वैल्यू छोटी होगी. बड़ी सिंपल सी बात है, इधर राइट साइड इधर लेफ्ट साइड, एक बड़ा है एक छोटा है तो बड़े में से छोटा माइनस करना पड़ेगा. दैट विल बी द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड. इसका मतलब आप क्या करोगे, E1 माइनस E2. लेकिन 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 अगर आप ऐसा करते तो आप ऐसा कहते हो, एट दिस पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज द वेक्टर सम, जैसे सुपरपोजिशन में करवाया था ना वेक्टर सम. तो आप क्या करते, आप ऐसा लिखते बेटा ई नेट बराबर E1 प्लस E2. लेकिन आपको पता है अलोंग साइन ये प्लस आई कैप है और ये माइनस आई कैप है, तो अल्टीमेटली वो E1 माइनस E2 ही होना था. अल्टीमेटली वो E1 माइनस E2 ही होना था बेटा. समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब आप यहां पर डाल दो भाई, इसको कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, पुट कर दो यार इसको. सो यू विल से बच्चे 1/4πε0 आगे q/r-l का होल स्क्वायर माइनस बेटा 1/4πε0 माइनस 1/4πε0 q/r+l का होल स्क्वायर q/r+l का होल स्क्वायर. एक काम करो कॉमन ले लो, क्या बेटा q/4πε0 ब्रैकेट में बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर. फटाफट बच्चा बाटी एक बार इसको करिए, जरा एक बार इसको करिए फिर मैं आगे बढ़ाता हूं. जी बच्चों पहले आप इसको करिए फिर मैं आपको आगे बढ़ाता हूं. यस बच्चा बाटी नोट डाउन कर लो एक बार फिर आगे बढ़ते हैं. तब तक हम थोड़ा सा जल पान कर लेते हैं. आपको पता तो है ही नवरात्रे चल रहे हैं, है ना बच्चे. हां जी बच्चा पार्टी फटाफट फटाफट फटाफट. यस बच्चे हो गया बेटा, आगे बढ़े आगे बढ़े. क्या ओके, तो जैसे ही आपने ये किया बेटा अब अगले पेज पे बढ़ते हैं. अगले पेज पे आप क्या करेंगे, ई नेट क्या है बेटा, ई नेट क्या है बेटा 1/4q/4πε0. ताने हाँ बेटा आपका जो है ना ये वाला क्वेश्चन मैं उठाऊंगा अभी, बस इसको कंप्लीट करने दे फास्ट वाला, है ना. ये कल भी बच्चों ने पूछा था फिर मैं बताता हूं अभी. सो 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर. अभी क्या होगा ना, अभी क्या होगा q/4πε0 ऐसा रखा है. देख बेटा यहां पर नीचे कुछ है नीचे कुछ है, हमें क्या लेना है बेटा LCM लेना है. हमें क्या लेना है बच्चे LCM लेना है. तो LCM के लिए क्या होता है बेटा, आपको बस जब इक्वल नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो. क्योंकि यहां पर क्या नहीं है r+l का होल स्क्वायर नहीं है. अच्छा माइनस में यहां पर क्या नहीं है बेटा r-l का होल स्क्वायर नहीं है. और जब आप डिवाइड करोगे, जब आप डिवाइड करोगे बेटा तो नीचे क्या नहीं है मल्टीप्लाई r-l का होल स्क्वायर इंटू r+l का होल स्क्वायर r-l का होल स्क्वायर इंटू r+l का होल स्क्वायर. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बच्चे, समझ में आ रहा है. यस सर. तो अब होगा बेटा q/4πε0 यहां पर इसको सॉल्व करो a+b का होल स्क्वायर. ओके a² + b² + 2ab राइट बच्चे. माइनस में देख a² + b² था माइनस हो जाएगा, -2ab था +2ab हो जाएगा. अगर किसी भी बच्चे को शाश्वत बेटा अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप दोबारा पूछ सकते हो बच्चे, डोंट वरी. नीचे क्या है a-b a+b, तो क्या हो जाएगा a² - b² लेकिन होल स्क्वायर है बेटा, लेकिन होल स्क्वायर है. समझ में आया कि नहीं आया. सो ये कॉन्सेप्ट आया. अब क्या करेंगे, अब आप प्लस आर स्क्वायर से माइनस आर स्क्वायर खत्म कर दोगे,
प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर खत्म कर दोगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा सर ई नेट बराबर क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में बेटा 4RL, ब्रैकेट में बच्चे 4RL डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक बार यहां तक बताइए बच्चों, क्या सभी बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर है इतना? इज इट क्लियर टू यू गाइस? इज इट क्लियर टू यू ऑल? यस बच्चों, शाश्वत पूछ रहा था सर स्लो पर, बता ही नहीं रहा, लगता चला गया। देखो बेटा यहां पर तो क्या होगा ना बच्चे, एक और चीज देखो, ये 4RL है, क्या इस 4RL को आप 2R into 12 नहीं लिख सकते? क्या इस 4RL को आप 2R into 12 नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। सो ई नेट क्या होगा बेटा, Q by 4 pi epsilon naught, इसको आप लिख लो 2L into 2R, राइट बच्चे, 2L into 2R, और नीचे क्या हो जाएगा, R square minus L square का whole square, नीचे क्या हो जाएगा, R square minus L square का whole square। देख बेटा इतना हमें पता है कि ये हमारा P है डाइपोल मोमेंट, इतना हमें पता है that this is P डाइपोल मोमेंट, तो इसका मतलब ये हो गया बेटा आपका 2 और ये बीच में P और इधर R, नीचे आ गया 4 pi epsilon naught ब्रैकेट में R square माइनस L square का होल स्क्वायर बेटा, माइनस L square का होल स्क्वायर। बोलो बच्चे यहां तक समझ आया कि नहीं आया? So this is what? What is this? This is electric field at a point due to an electric dipole. पर कौन से point के ऊपर? Axial point के ऊपर. ठीक है? Axial point के ऊपर. Yes बच्चों, अगर यहां तक आपका हो गया हो और आपने लिख भी लिया हो तो एक बार yes कह दो फिर हम आगे बढ़ जाए बेटा, एक बार यस कह दो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। पक्का सबने लिख लिया बच्चे? पक्का सबने लिख लिया? ओके, सो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बेटा। आपने क्या बोला, आपने कहा सर E net बराबर 2PR upon 2PR upon 4 pi epsilon naught bracket में R square minus L square का whole square bracket में इतना। लेकिन अब मैं आपके सामने कुछ रखने जा रहा हूं, क्या बेटा, for a very 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 short dipole, for a very 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 शॉर्ट डाइपोल। इसका मतलब क्या है बेटा, शॉर्ट डाइपोल का क्या मतलब होता है बच्चे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शॉर्ट डाइपोल? इसका सिर्फ इतना मतलब है बेटा कि आपका जो क्यू और क्यू के बीच में जो सेपरेशन है और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो आपस में काफी ज्यादा डिस्टेंस पर है। मतलब आप कहेंगे सर ये मेरा डाइपोल होता है लेकिन जो आपका पॉइंट है वो बहुत ही ज्यादा आगे है। कहने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि सर L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर तो बहुत ही ज्यादा छोटा हो जाएगा R स्क्वायर से। देखो बेटा अगर 0.1 है तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो अब आप ध्यान से देखिए बच्चे, यहां पर L स्क्वायर वाले को आप नेग्लिजिबल मान लेंगे। शाश्वत अभी समझाता हूं, डोंट वरी। L स्क्वायर वाले को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे, तो अगर इसको नेग्लिजिबल मान लिया तो ये तो खत्म हो गया। तो E नेट क्या बचा हमारे पास, 2PR by 4 pi epsilon naught,
और ब्रैकेट में आर स्क्वायर का आर स्क्वायर मतलब आर की पावर फोर, मतलब आर की पावर फोर, एक आर से ये एक आर कट जाएगा तो ई नेट बच जाएगा 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसको आप क्या लिखते हो बच्चे, इसको आप लिखते हो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्चुअल पॉइंट बराबर 2p बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। बोलो बच्चे इज इट क्लियर, क्या ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आता है बेटा? यस बच्चों फटाफट बताइए बच्चे, तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अगर एक बड़ा डायपोल है तो ई नेट होगा 2πr by 4 pi epsilon not r square minus l square का होल स्क्वायर, और शॉर्ट डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2p by 4 pi epsilon not r cube। आई गेस सभी बच्चों को यह समझ में आया। अब थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं एक मिनट की। एक बच्ची ने कहा सर आप फास्ट रखते हैं, यस बच्चे तो जी हाँ बेटा हम फास्ट रखते हैं और पूरे के पूरे फास्ट रखते हैं, लेकिन हम फास्ट ऐसे नहीं रखते जो आजकल लोगों ने अपने कंफर्ट जोन के लिए बना लिए हैं। जैसे जैसे एक आलू के चिप्स का पैकेट ले लो, नमकीन भी ले लो, ठीक है, मतलब जैसे होता ना कि मतलब पूरा दिन चढ़ते रहो, बस खाते रहो खाते रहो खाते रहो, है ना, जैसे फास्ट नहीं है, नॉर्मल डेज से भी ज्यादा खा लेंगे। ये आलू की पूड़ी बना लो, ये आलू बना लो, ये खीर बना लो, ये रायता बना लो, मतलब पता नहीं दुनिया भर की चीजें बना लो। जैसे फास्ट नहीं, खाने के लिए एक त्योहार ढूंढ लिया हो हमने, है ना बच्चे, ऐसा होता है ना, होता है कि नहीं होता है? यस बोल दो बस, फिर मैं बताता हूं। तो बेटा ऐसा ही होता है, ठीक है, लेकिन हम जो है, मैं आपको बता दूं, ठीक है, मैं आपको बता दूं, असल में पिछली बार तक मैं कैसे फास्ट रखता था कि जैसे एक गिलास दूध और रात में वो भी, ठीक है, रात में वो भी एक गिलास दूध और थोड़ा सा फ्रूट, जैसे मान लो एक केला खा लिया या एक सेब खा लिया, ऐसे करके। बट ड्यू टू दिस पेंडेमिक, एक तो ये है कि भाई आप लोगों को पढ़ाना है और जब पढ़ाते हैं तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो इस पेंडेमिक की वजह से मैंने क्या किया, कल रात को मैंने थोड़ा सा जैसे आलू होता है ना वो कंज्यूम कर लिया, राइट, और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा वीक हो गया था, कल मेरी तबीयत भी खराब हो गई थी, तो मैंने सोचा कि तबीयत खराब करने से बेटर है कि आप लोगों को जो है पढ़ा ले जाए अच्छे से, और भगवान उसी से खुश होंगे क्योंकि हमारे बच्चों को मैं पढ़ा रहा हूं, तो भले ही हम कुछ खा ले, लेकिन ऐसा नहीं कि पूरा दिन कुछ खा रही है। अभी एक बच्ची ने बोला कि सर रमजान में तो कोई पानी भी नहीं पीते। देखो बेटा आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर कब तक, शाम तक, राइट, मैं किसी भी रिलीजन के ऊपर कोई कमेंट नहीं कर रहा, बट उसमें भी जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद होते थे, जो हमारे नबी होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो उस समय पर कुछ नहीं खाते थे, एक बारी बस अपना फास्ट तोड़ दिया एंड दैट्स इट, जैसे पानी पी लिया, खजूर खा लिए। लेकिन आज के टाइम पे तो वो भी बच्चे, फास्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। हमारे एक्चुअली पांच इंद्रिया होती है, जो मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज दे दूं, ठीक है, हमारी पांच इंद्रिया होती है, काम क्रोध लोभ मोह माया, राइट। अभी जब हम फास्ट रखते हैं ना, तो उसका बिल्कुल बेसिक सा मीनिंग होता है, उसका बिल्कुल बेसिक सा मीनिंग होता है कि हमारे दिमाग में कुछ भी गलत बात ना आए। यहां हमने फास्ट रखे हैं, यहां हम गाने सुन रहे हैं, यहां हम मूवीज देख रहे हैं, तो उसका मतलब नहीं होता है ना बच्चे। फास्ट का मतलब होता है यहां हमने फास्ट रखे हैं, यहां हम लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, यहां हम किसी के ऊपर चिल्ला रहे हैं, उसका फास्ट का मतलब नहीं होता बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? फास्ट का मतलब होता है कि आप अपनी बॉडी को एक तो साफ कर रहे हो, और इससे ना आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग होता है। जब हम फास्ट रखते हैं और हम कुछ खाते नहीं है,
एक टाइम में खाते हैं हम, तो हमें लगता है कि यार इतनी विल पावर है हमारी कि हम कुछ ना खाए। समझ में आया कि नहीं आया? सो दिस इज लाइक, मतलब ठीक है, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ये पूरा दिन आपको नहीं खाते रहना चाहिए, कभी चिप्स कभी कुछ ये नहीं करना चाहिए। एक टाइम पे फलाहार होता है वो आप कर सकते हो ताकि बॉडी वीक ना पड़ जाए, क्योंकि काम भी करना है ना बच्चे। खैर, अगर मैंने कोई ऐसी बात बोली हो जिससे किसी को हर्ट हुआ हो तो उसके लिए भूल चूक है ना, और मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि किसी को भी हर्ट करूं, लेकिन हाँ मेरा थोड़ा सा, आप मेरे बच्चे हो और आप मुझे जब इतना सपोर्ट करते हो तो मेरा मतलब मेरा हक बनता है कि मैं आप लोगों को कुछ कुछ अच्छी बातें बोलूं, राइट बच्चे? ठीक है यस, वेरी गुड अनुप्रिया, साइंटिफिकली कीपिंग फास्ट हेल्थ डिटॉक्सिफाई बॉडी, वेरी गुड। हाँ मतलब ये तो अलग बात है कि भाई डिटॉक्सिफाई का मतलब मुझे नहीं पता, ठीक है, मैं अंग्रेजी में बहुत स्ट्रांग बंदा हूं, मेरी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं ऐसा बोल दूंगा। हाँ मुझे समझ में आ गया बेटा, ठीक है, मजाक कर रहा हूं, समझ में आ गया। चलो तो ये कॉन्सेप्ट आपका आ गया होगा, शायद ये आपने लिख लिया होगा, अब आगे बढ़ते हैं, है ना बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। यस बच्चा पार्टी, बताइए बच्चों, क्लियर है क्या? चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब हम सेकंड केस करते हैं बच्चे, अब हम सेकंड केस करते हैं और वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन, या फिर ऐसा लिख लो नीचे, कौन से पॉइंट पर, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। बतेरी रानी बेटा, मैंने नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर दे रखे हैं, आप टेलीग्राम पर आ जाओ, वहां पर मैंने नोट्स दे रखे हैं, फिर भी नहीं हुए तो मैं दे दूंगा आपको। तो देखो बेटा अब क्या होगा, यही आपका एक डाइपोल है, ठीक है, ये आपका एक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, और इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब समझते हो, परपेंडिकुलर, जो 90 डिग्री पर हो, कहां पर बच्चे, जो 90 डिग्री पर हो, तो आप क्या करेंगे, ऐसा 90 डिग्री पर एक पॉइंट बना लो बेटा। समझ में आया कि नहीं आया? इसको पी मान लेते हैं, राइट बच्चे, इसको पी पॉइंट मान लेते हैं, कुछ भी हमारी मर्जी है। अब असल में क्या होगा, मैं थोड़ा सीधा पॉइंट बना लेता हूं, है ना, सीधी लाइन बना लेते हैं, ये लीजिए ऐसा करके। अब क्या होगा बेटा, आपको पता है ये तो एल है, ये ओ है और ये भी एल है, और बेसिकली O पॉइंट से, सेंटर से उस P पॉइंट का डिस्टेंस मैंने क्या लिया था पिछले केस में, R लिया था ना, क्या लिया था बच्चे, R लिया था कि नहीं लिया था? यस सर, बिल्कुल R लिया था। तो अब आप ऐसा करिए बेटा, इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे करके, खाया ना, अब जब मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूं तो बेसिकली इधर अगर पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर ही होगा भाई, ईवन मान लो, ईवन तो इधर ही होगा, है ना बेटा, समझ में आया कि नहीं आया? और ये जो प्लस क्यू है ये क्या करेगा, ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसको उधर उस डायरेक्शन में E2, हाय ना बेटा भाई, E1 नीचे आया, E2 उसको अलोंग द लाइन उसको ऐसे मारेगा, ठीक है ना बेटा। तो अब क्या होगा, इट्स ओके अनन्या बेटा, आई अंडरस्टैंड। तो अब क्या होगा बच्चे, ना तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ना ये, तो इनके टूटेंगे कंपोनेंट। मतलब देखो बेटा, अगर आप देख पा रहे हो तो एक कंपोनेंट इधर आएगा और एक कंपोनेंट इधर आएगा, राइट बच्चे, एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर। अगर ये थीटा है तो बहुत सिंपल सी बात है, ये भी थीटा होगा, राइट बच्चे। तो अब आप देखो, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तो ये क्या होगा, शाश्वत बेटा अभी समझाता हूं, ये E1 cos थीटा है तो नीचे वाला क्या होगा, E1 sin थीटा, बेटा नीचे वाला क्या होगा, E1 sin थीटा, ठीक है, और
ये E2 ऊपर है तो इसके लिए भी कंपोनेंट ऐसे टूटेंगे, तो ये ऊपर क्या होगा E2 साइन थीटा और लेफ्ट में क्या होगा बेटा E2 कॉस थीटा, लेफ्ट में क्या होगा E2 कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चे? अब पहले तो आप लोग यार E1 और क्योंकि चार्ज सेम है, दूरी सेम है, ये अगर L है ये अगर R है तो ये वाली दूरी क्या होगी बेटा, व्हाट विल बी दिस दूरी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट, कहां से पता चला पाइथागोरस से, कहां से पता चला पाइथागोरस से। अभी दूरी भी सेम है चार्ज भी सेम है तो इसका मतलब E1 बोले चाहे E2 बोले बात तो एक ही है, तो इसका मतलब E1 बराबर E2 बराबर क्या होगा 1/4πε0। ओके बच्चे 1/4πε0 क्यू बाय डिस्टेंस ले लो यार आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, क्या लेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट बेटा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। आई गेस आपको समझ में आ गया राइट बच्चे। अब कॉन्सेप्ट की बारी देखना, अब देखो बच्चे ये तो आपने ऐसा ले लिया, इसको ई मान लो सीधा सीधा, इसको सीधा सीधा ई मान लेता हूं। अब देखो ये E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा एक ही लाइन के अलोंग है, एक ही लाइन के अलोंग है बेटा, तो क्या हो जाएगा कट जाएंगे, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर E1 साइन थीटा बराबर E2 साइन थीटा क्या होगा कैंसल आउट ईच अदर, क्या होगा बेटा कैंसल आउट ईच अदर, क्योंकि ये एक ही लाइन के अलोंग है भाई, E1 E2 के बराबर है, साइन थीटा वैसे ही कट गया, तो इसका मतलब आप क्या कहेंगे बच्चे ये वाले एड्स अप हो जाएंगे, ये और ये एक ही डायरेक्शन में है, मैं वेक्टर नहीं लगा रहा, तो ई इक्वेटोरियल की वजह से क्या होगा E1 cos थीटा E2 cos थीटा सीधा सीधा क्या होगा ट्वाइस हो जाएगा, सो यू कैन से 2E cos थीटा, क्योंकि E1 और E2 को तो आप ई मान चुके हैं ऑलरेडी, तो क्या हो गया 2E cos थीटा। इसका मतलब बेटा 2 और E की जगह ये रहा क्यू बाय 4πε0 ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करोगे cos थीटा से, cos थीटा क्या होगा यहां से ले लो बेस, cos थीटा क्या होगा बेटा बेस यानी कि L अपॉन हाइपोटेनस मतलब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर बेस अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट, राइट बच्चे, राइट बच्चे ठीक है, तो क्या होगा q बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का रूट। अच्छा इसको आप स्क्वायर कर लेना, ये स्क्वायर करना भूल गया मैं, इसको स्क्वायर कर लेना बेटा, स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा राइट बच्चे, हां जी ठीक है ओके। तो अब क्या होगा बेटा, अब क्या होगा बच्चे, आप ऊपर आ जाओ, आप यहां पर आ जाओ, तो e इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा भाई 2q/4πε0 राइट बच्चे बाटी, और ये मैंने क्यू क्यू लिख दिया, दिस इज नॉट क्यू दिस इज एल, दिस इज एल बेटा राइट बच्चे, दिस इज एल, सो यू विल से दिस इज 2QL/4πε0 ब्रैकेट में बेटा ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 है और ये पावर 1/2 है, तो पावर तो ऐड हो जाता है, तो पावर तो ऐड हो जाता है, तो आप क्या कहेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि भाई ये 1 पावर है ये 1/2 है, पावर तो ऐड हो जाता है, और शायद शायद आपको पता हो बेटा कि P होता है Q(2L), इसका मतलब Q(2L) क्या होगा P, तो यही से आपको पता चलेगा E इक्वेटोरियल बराबर P/4πε0 आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। आई गेस बच्चों आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं, हां जी बच्चा पार्टी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नॉट, ठीक है जी। तो एक काम करिए बच्चों, एक बार यहां तक नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर अगला कॉन्सेप्ट खेलेंगे, प्लीज नोट डाउन दिस, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे।
जैसे ही नोट हो जाए बेटा बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना बच्चों? सो लेट्स मूव अहेड बेटा, लेट अस मूव अहेड, बढ़े आगे, वेरी गुड. तो अब क्या होगा बच्चे, जैसे ही आपने ये कॉन्सेप्ट कर लिया, जैसे ही आपका इतना हो गया, तो अब मैं फिर वही बात करूंगा. देखो बेटा, आपने बोला कि सर ई इक्वेटोरियल बराबर पी बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर पावर 3 बाय 2, राइट बच्चे? राइट बच्चे? तो एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया. खैर कोई बात नहीं बेटा, इतना आपको समझ में आ गया. मैं बोलता हूं फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल, मैं क्या कहूंगा बच्चे, फॉर अ वेरी वेरी शॉर्ट डाइपोल. तो एक काफी छोटे से डाइपोल के लिए बेटा, एक काफी छोटे से डाइपोल के लिए आपका जो एल स्क्वायर है, आपका जो एल स्क्वायर है दैट इज वेरी वेरी लेस देन आर स्क्वायर, तो ये हो गया नेग्लिजिबल. तो क्या बच गया, जैसे पीछे किया था ई इक्वेटोरियल बराबर पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में आर स्क्वायर की पावर 3 बाय 2, भाई 2 से 2 कट गया तो आपको क्या मिला बेटा, पी बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब. क्या मिला बच्चे, P by 4 pi epsilon naught R cube. Is it okay, बेटा? क्या बात है, क्या बात है, very nice. तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, जैसा भी हुआ आपके सामने हुआ, right? तो इसका मतलब इक्वेटोरियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड P by 4 pi epsilon naught R cube हो गया. और अगर आपको पता हो, और अगर आपको पता हो तो आपने थोड़ी देर पहले मेरे सामने किया कि सर ई एक्शियल बराबर 2 पी अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, पर ये तो आपका ई इक्वेटोरियल है, तो क्या आप ऐसा नहीं लिख सकते कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्चुअल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल बराबर ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट. यस बच्चों, फटाफट बता दो एक बार कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. अगर यस तो भी बता दो, अगर नो तो भी बता दो. चलो खास तो लिया मैं. वेरी गुड, वेरी गुड. चले बच्चों, तो जैसे ही हमारा ये कॉन्सेप्ट होगा, अब हम इसके जस्ट बाद बढ़ेंगे अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ. जैसा ही हो जाए बता देना सर हो गया, फिर हम आगे बढ़ेंगे. यस बच्चा पार्टी, टेल मी. अच्छा ओके, तो चलो शाश्वत का एक डाउट बता देते हैं बेटा. शाश्वत का डाउट बता, शाश्वत बेटा देख, असल में मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों किया था वो देखो. फॉर एन एग्जाम्पल, 1 बाय 6 प्लस 1 बाय 15 करना है, तो अब इसको या तो मैं एलसीएम करूं तो अलग बात है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं सीधा सीधा नीचे 6 को 15 से मल्टीप्लाई करता हूं, इधर 6 तो है पर 15 नहीं है तो ऊपर 15 लिखा, इधर 15 तो है पर 6 नहीं है तो ऊपर 6 लिखा, मेरा आसानी से आंसर आ गया 21 बाय 90. अब आप काट लो, 3 7 21, 3 से 30, आंसर है 7 बाय 30. अब या तो ऐसा करते या 6 और 15 के एलसीएम लेके 30 करते, बात तो एक ही हो गई. इसको यहां किया, नीचे आपस में मल्टीप्लाई कर दिया. शाश्वत अभी क्लियर हो गया आपको? आई गेस शाश्वत थोड़ा लेट चल रहा है, आई गेस शाश्वत थोड़ा लेट चल रहा है ना बच्चे? लेट इन द सेंस मतलब उसका लगता है कि वो थोड़ा पीछे चल रहा है मेरे से, लाइव नहीं है मेरे साथ. क्लियर हो गया बेटा? पक्की बात है, आगे बढ़े. तो आज की क्लास में एक दो सवाल भी कर लेते हैं यार, है ना? क्यों ना यार एक दो क्वेश्चंस करे जाए, ठीक है? क्यों ना एक दो क्वेश्चंस करे जाए बेटा. तो ये रहा आप लोगों का पहला पहला सवाल, ये रहा आप लोगों का पहला पहला सवाल, ठीक है? ये रहा आप लोगों का पहला पहला सवाल, और वो क्या कहता है बच्चे, वो कहता है कि यार टू ऑपोजिट चार्जेस
two opposite charges each of magnitude 2 microcoulomb are one centimeter apart. इसका मतलब एक डायपोल मिल गया बेटा, है ना? आपको क्या करना है, आपको फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ राइट बच्चे, एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड पॉइंट, 5 सेंटीमीटर from the mid point on axial line of the dipole, right bache, of the dipole. Also find e equatorial at same distance from midpoint बच्चे. तो मेरे कहने का सिर्फ इतना मतलब है कि आपको शायद ये ट्राई कर लेना चाहिए एक बार, उसके बाद मैं करवाता हूं बेटा. तब तक मैं थोड़ा सा पानी की बॉटल भर के लाता हूं. फटाफट करिए बच्चों, उसके बाद मैं करवाता हूं. यस बच्चा पार्टी, सो यस बच्चे, आई गेस आप लोग ट्राई कर रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूं. यस बच्चा बाटी, ट्राई कर रहे हो आप लोग? तो क्या होगा बेटा इसका आंसर, कैसे करेंगे हम लोग? आसान है, बस आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है. ई एक्शन तो आपको पता चल गया, 2π/4π∈R² - L² राइट, R² - L² का होल स्क्वायर. राइट बच्चे, ऐसा होता था. अब क्या है ना बेटा, मेरी बात सुनो, उसने क्या बोला, 1 सेंटीमीटर दूरी पर रखे है, लेकिन जो आपका ये डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है. तो वेरी वेरी शॉर्ट डायपोल तो है नहीं बेटा, वेरी वेरी शॉर्ट डायपोल तो है नहीं. तो बस आर को 5 सेंटीमीटर लिखना है और 2L को 1 सेंटीमीटर लिखना है. क्या? 2L को 1 सेंटीमीटर लिखना है, ठीक है ना बेटा? तो ऐसा करके बस आपको कवर करना है. 2p की बजाय आप सीधा सीधा लिख सकते हो 2 × 2q × L/4π∈₀R² - L² का होल स्क्वायर. राइट बच्चे, समझ में आया? क्लियर है? वैल्यूज डाल देंगे भाई, q की जगह क्या डालेंगे, 2 microcoulomb, मतलब 2 × 10⁻⁶. ये क्या हो जाएगा, 1 × 10⁻². ये क्या हो जाएगा, 5 × 10⁻². राइट बच्चे, भाई R की जगह ये डल जाएगा, L की जगह ये, अच्छा L की जगह 1/2 डल जाएगा, क्योंकि हमारे पास तो 2L/1 है, ये गलती मत करना. और Q की जगह Q डल जाएगा. बस अपनी कहानी को क्लियर करो. और E इक्वेटोरियल वाले के लिए 2 × QL/4π∈₀ यहां पर R² + L² / 3/2 डालो और इसको भी क्लियर करो, वैल्यूज पुट करो, आपका ई इक्वेटोरियल भी आ जाएगा. अगर यूनिट मांगोगे तो यूनिट तो आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम.
इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है न्यूटन पर कूलाम। आई गेस बच्चों आपको मेरा ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया, आपको मेरी बात भी बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अगर ऐसा है तो एक बार यस कह दो, अगर ऐसा नहीं है तो एक बार नो कह दो बेटा। और अगर ऐसा है तो भाई मैं आपको ये बोलता हूं कि आप नोट कर लो फटाफट, फिर हम अपने इस सेशन को आज यहीं पर एंड करते हैं। मैंने कहा था थोड़ा लंबा लेंगे, लेकिन आपको पता ही है बेटा थोड़ी सी थकावट हो जाती है क्योंकि फास्टिंग चल रही है आपसे। डेफिनेटली यार कल और परसों में लॉन्ग आवर सेशन में मिलेंगे, मैंने वादा किया था कि सैटरडे संडे लंबे आवर्स पढ़ाऊंगा, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा काम कर रहे होंगे, उसके लिए डोंट वरी बच्चे, ठीक है ना बेटा। कर लीजिए फटाफट, कर लीजिए, है ना बेटा, कर लीजिए फटाफट। जी 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 जी, एल का वैल्यू क्या है बेटा, ये 12 1 सेंटीमीटर है, तो L क्या होगा बेटा, L होगा 1/2, क्योंकि यहां पर दे रखा है 1 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है ना बच्चे। ओके सो गाइस, आज की इस क्लास को, आज के इस सेशन को यहीं पर ओवर करने की कोशिश करते हैं। और बेटा आपसे यही बात करते हैं कि यार आप डेली जो है शाम को, मतलब मंडे टू फ्राइडे शाम को 8 बजे ऐसी इसी तरीके से आकर और आप हमारा हौसला बढ़ाएंगे बेटा, है ना, सपोर्ट करते रहेंगे। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा बेटा वो डाइपोल का ही होगा, सेकंड पार्ट होगा, उसमें बहुत सारे और क्वेश्चंस और डाइपोल की वजह से और क्या क्या होता है, जैसे टॉर्क होता है, जैसे पोटेंशियल एनर्जी होता है, ये अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे होंगे। तब तक के लिए बच्चा पार्टी ऑल द वेरी बेस्ट, बाय ऑल, गुड नाइट, एंड यस बच्चो जय हिंद, बाय बच्चो।